रखूं। तो जी व्यूअर्स, आज आप लोग सोचोगे मैं इंट्रो क्यों कर रही हूँ, तो मैं इंट्रो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मम्मा हैं अभी तैयारियों में, जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसलिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जी मम्मा लाई हैं कुछ बाज़ार से कुछ कैरियाँ, तो मम्मा से अब मैं पूछती हूँ जाके कि मम्मा क्या बनाने वाली हैं, और मम्मा आपको बताएंगी कि मम्मा क्या बनाने वाली हैं। मुझे नहीं पता मम्मा क्या बनाने वाली हैं, तो चले हम देखते हैं आप मम्मा क्या बनाती हैं और मम्मा से पूछते हैं जाके। चले हैं मम्मा के पास, चले ही चलते हैं। तो जी मम्मा ये खड़ी हुई हैं, तैयारियाँ कर रही हैं। मम्मा हाय कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी दुआ है आप सबके लिए कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खैर खैरियत से रहें। आज मैं बना रही हूँ कैरी की चटनी, मीठी चटनी, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है, तो मैं बनाना खा रही हूँ। जैसे मैं बनाती हूँ बिल्कुल आसान, थोड़ी सी देर में बन जाती है। और चले मैं आ जाए आपको मैं दिखाऊँ। ये देखें व्यूअर्स, ये इशाल जो हैं ये काट रही हैं कैरियाँ, फील कर रही हैं, और ये मैं अभी कटिंग करूँगी इनकी, कट करूँगी कैरियों को, और मैं बना रही हूँ उसकी चटनी, कैरियों की खट्टी मीठी चटनी जो बनती है वो मैं अभी बना रही हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी बना के कि ये कैसे बनती है। तो देखते हैं व्यूअर्स, तो ये जो हैं कैरियाँ ये मैंने कट कर ली हैं, और ये हैं तकरीबन किलो, किलो से एक दो ऊपर ही होंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैं डाल रही हूँ पैन में, और इसमें हम डालते हैं एक गिलास तकरीबन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पानी एक गिलास से थोड़ा ऊपर ही कर लें। तो ये हम थोड़ा और डाल देते हैं, ये दो गिलास हो गए तकरीबन। तो इसमें अब हम डालेंगे, ये है शक्कर, ये मेरे पास रखी हुई थी। वैसे तो मैं ज़्यादातर चीनी डालती हूँ या गुड़ डालती हूँ, तो शक्कर मेरे पास रखी हुई थी, तो ये मैं ये डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैं डाल रही हूँ इतनी। ये मैंने डाल दी इतनी शक्कर, और इसको मैं मिक्स करती हूँ, इसको मैं मिक्स करती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें। और अब मैं इसमें डालूँगी कलौंजी, थोड़ी सी डालूँगी, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी भी डाल लें, मैं तो बस काफ़ी इतनी डालूँगी जी। और इसके अलावा मैं डालूँगी, मैं नमक डाल दूँ इसमें, नमक डालूँगी मैं, ये मैं डालूँगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नमक, ये देखें। और मैं डालूँगी एक चम्मच पिसी हुई, ये है टीस्पून है, छोटा चम्मच है ना, और ये मैं डालूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। तो ये काफ़ी होगा, तो ये बस यही चीज़ें जाएंगी, और हम इसे ढककर पका लेंगे। इशाल इसका वो देना, लिड देना इसका, इधर रखा हुआ है। तो व्यूअर्स ये देखें, बहुत आसान है पकाना, और ये साइड डिश के तौर पर भी खा लेते हैं, और ज़्यादातर हम लोग साइड डिश के तौर पर ही खाते हैं। तो बाकी ये कि लोग, कई लोग इसको रोटी से वैसे भी खा लेते हैं, अगर सालन नहीं बना हुआ हो तो खा लेते हैं। हम इसको ढककर रख रहे हैं उस वक्त तक के लिए जब तक ये गल जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, तो चाय में डलेगा दूध, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये 2 कप चाय है, तो हम लोग अब पीते हैं चाय।
मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोग ऐसा ना जाओ बेटा, एहसन आ जाओ। ये लो जी, लाओ जी। ये है, चाय पी लो। तो आपने देख लिया, हम लोग घर में बस मेरा बेटा, मैं और मेरी बेटी हैं। तो उफ, ये कैसे टूटा भाई, अल्लाह, देखा नहीं था डालते हुए चाय। चेंज कर लेते हैं। तो जी, हम तीनों अकेले हैं घर में और बाकी सब तो गए हुए हैं अपने अपने जॉब पर। और अरहमा गई हुई हैं अपने यूनिवर्सिटी गई हुई हैं वो। तो बस हम तीन अफराद हैं घर में फिल वक्त। चलें जी, ठीक है, फिर मैं आपको, चटनी बनती है तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और हमारे कबूतर, वो हमने सामने फिर वक्त रखे हुए हैं, इस वक्त ला के हम रख लेते हैं यहाँ पर, तो अच्छे लगते हैं हमें। और फिर रात को हम इनको रख देते हैं गैलरी में शाम के टाइम, और दोपहर में हम यहाँ रखते हैं, दोपहर में नहीं बल्कि शाम में हम ले आते हैं यहाँ, और बाद फिर ये गैलरी में चले जाएंगे। तो माशाल्लाह से, तो जी ये है, ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी चटनी तैयार हो गई है और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। देखें, आप लोग भी बनाकर देखिएगा। हम लोग तो हर सीज़न पे बनाते हैं, कैरियों के सीज़न पे हम ज़रूर बनाते हैं। ये भी कैरी का शरबत भी, और अचार नहीं बनाती, अचार पहले बनाया करती थी, अभी तो नहीं बना रही हूँ, बना बनाया ले लेती हूँ। और ये ज़रूर बनाती हूँ, कैरी की चटनी और कैरी का शरबत, ये सब पन्ना जिसे कहते हैं हम लोग, वो बनाती हूँ। तो देखें, आपको बनाएं, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। तो ये इशाल भी खा रही हैं, इशाल को दिखाती हूँ मैं। इशाल ने तो चट कर ली इशाल तो खा चुकी। गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि ये चटनी कैसी बनी है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आई, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इसको अपने घर में बनाएं, और ज़रूर बनाएं, और अगर आप बनाएंगे ना तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें हमें। और अगर आप ये बना के खाएंगे ना, वो अपनी उंगलियाँ ही चाटते रह जाएंगे, बहुत अच्छी बनाई है मेरी मम्मा ने। आप मेरी मम्मा की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी फिर अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, मैं आपको बोलना ही भूल गई कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और फन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, और जल्दी से हमारे लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। ये देखें, ये चटनी बिल्कुल चट कर गई है, चटनी पता तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, आप मेरी तरफ से भी आपको अल्लाह हाफिज़।